लतीफ खोसा साहब, हम आपका जो लीगल एस्पेक्ट है उस पर हम आपकी राय लेना चाहेंगे। इस केस के हवाले से आपके सामने है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जमानत जो नवाज शरीफ साहब की थी उसको मंसूख कर दिया गया है, ये फैसला किया गया है, और अब फेडरल को कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया है। क्या आपको लगता है कि फेडरल की जानिब से जो एक्शन लिया जाएगा, क्या नवाज शरीफ जो हैं अगर तलब किए गए तो वो वापस पाकिस्तान आते नजर आएंगे? लीगल ऑप्शंस क्या बचती हैं इस वक्त नवाज शरीफ के पास? देखिए, एक बात तो बड़ी मजे का खेल है कि मोहतरम इमरान खान साहब हों या अपना सूबाई इनके वजीर माशाल्लाह सेहत हो, हेल्थ मिनिस्टर हो मोहतरमा डॉक्टर यासमीन राशिद, अब सारे ही पहले कहते रहे कि वाकई इनकी तबीयत बहुत खराब है, और खुद मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपना जो है शौकत खानम के जो हेड हैं उनको जो है इस मामले में साथ सेलेक्ट किया, और रिपोर्ट्स उनकी देखने के बाद मैं खुद इस चीज का तसल्ली की, मैंने मुतमइन हूँ मैं कि वाकई वो उनको शदीद किस्म का इलाजत की बायस उनका बाहर जाना लाजिम है और उनकी जिंदगी को खतरात हैं, इसलिए उन्होंने उसे जो है कहा कि मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैंने उन्हें जाने के लिए इजाजत दी, और ये अदालत ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अदालत ने तो कहा कि ठीक है, हम उनका एक महीने के लिए उनकी जमानत लेते हैं, और लेकिन ये वफाकी हुकूमत का काम है या वफाक का काम है कि वो उनका ECL से नाम जो है वो हटाएं या ना हटाएं।